नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग लव वाइब्रेशन कैसे भेजी जाए कि अगर रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब है तो वो सही हो जाए इसके लिए ना मैं एक कहानी भी लेकर के आई हूँ आज किसी की सक्सेस स्टोरी ही है ये उन्होंने जो लिख करके भेजे उसे मैं स्टोरी वाले चैनल के ऊपर शेयर करूंगी पर आज मैं मेथड बताने वाली हूँ कि मैंने इनको क्या मेथड बताया था लव वाइब्रेशन भेजने का और उससे इन्हें सफलता मिली है तो कहानी क्या थी बिल्कुल शॉर्ट में मैं यहाँ पर कंप्लीट करूंगी कि क्या थी एंगेजमेंट हुई थी छः साल के रिलेशन के बाद में इंगेजमेंट हुई थी और वो एंगेजमेंट होने के बाद ही पता नहीं क्या हुआ पार्टनर को इनके जो पार्टनर थे उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों मुझे फील नहीं आ रहा और मुझे नहीं लगता कि हम कंपैटिबल हैं अभी हमें शादी में नहीं उतरना चाहिए तो इस इंगेजमेंट को यहीं तोड़ दिया जाए और हफ्ते भर के अंदर अंदर उनकी इंगेजमेंट टूट गई थी उसके बाद पार्टनर ने बिल्कुल ही बात करनी बंद कर दी हर तरीके से कनेक्शन टूट गया और फिर वो मेरे पास आए ठीक है तो यहाँ तक की कहानी वो मेरे पास लेकर के आए और बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव स्टेज थी बहुत ज़्यादा परेशान थे डिप्रेस हो चुके थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें तब हमने लव वाइब्रेशन पर काम किया और कैसे इनको मैंने वो बताया वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ ठीक है तो अगर कहीं पर भी ऐसी कोई सिचुएशन है नो कंटैक्ट में आप चल रहे हैं और आपको भी रीज़न नहीं समझ में आ रहा कि चीज़ें क्यों ऐसे खराब हुई हैं सामने वाले ने कोई रीज़न नहीं दिया है और अपने आप ही नो कंटैक्ट हो गया है और आपकी कंडीशन बहुत ख़राब होती जा रही है देन आप इस मेथड को ट्राई कर सकते हैं पहली चीज़ मैंने इनको समझाई थी कि आप शुरू के एक महीने तक लगातार दिन में तीन बार वो ओपोनो पोनो प्रेयर कीजिए तो दिन में तीन बार इन्होंने डिवाइड किया जैसे भी इनको टाइम मिला उस हिसाब से इन्होंने एक एक दो दो तीन तीन चार चार घंटे का गा गैप रख के जैसे भी टाइम मिला वैसे हो ओपोनोपोनो प्रेयर की एंड देन जब एक महीने का हो ओ पोनोपोर्नो प्रेयर का पूरा सेशन कंप्लीट हो गया देन हमने जंप किया लव वाइब्रेशन पे पर उसके लिए भी हमने हो ओ पोनोपोर्नो प्रेयर के सेशन को नहीं तोड़ा था वो थ्री टाइम्स हो ओ पोनोपोर्नो प्रेयर उनको सेल्फ हीलिंग के लिए करना ही था विदाउट एनी इंटेंशन सेट किए हुए कोई इंटेंशन मैंने इनको सेट करने के लिए नहीं दी थी बस इतना बोला था आपको जैसे दो का पहाड़ा पढ़ा जाता है ना वैसे आपको प्रेयर करनी है और रिलैक्स होना है ठीक है बहुत ज़्यादा उनकी बातों को सोच सोच करके रोना नहीं है बहुत ज़्यादा पुराने पिक्चर्स देखने चैटिंग कर देखना और बार बार उनकी डीपी पे जाना उनके नाम पर जाना घर वालों से उस टॉपिक पे बात करना सब बंद कर दो आप ठीक है सिर्फ अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दो तो दो तीन चीज़ें इन्होंने खुद से भी ऐड कर ली थी लाइक वर्कआउट जो जादू प्रैक्टिस के अंदर कुछ चीज़ें आई थी ना वर्कआउट इन्होंने खुद से ही ऐड कर लिया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था मैंने इनको बाद में ये भी बोला था कि वेरी नाइस आपने बहुत अच्छा किया कि आपने वर्कआउट ऐड कर लिया वर्कआउट इन्होंने ऐड किया डीप ब्रीदिंग भी इन्होंने उसके अंदर ही अपने आप ही ऐड कर ली थी ग्रेटिट्यूड जर्नल इन्होंने लिखना उसके अंदर ऐड कर लिया था ये छोटे छोटे दो तीन चीज़ें इन्होंने अपने मन से ही उसके अंदर ऐड कर ली थी एंड साथ के साथ ये हो पुनःपुनोप्रयर प्रेयर दिन में तीन बार कर रहे थे एंड देन जब हम लव वाइब्रेशन पर आए तब तक ये बहुत रिलैक्स हो चुके थे क्योंकि सेकंड मंथ शुरू हो चुका था सेकंड मंथ में हो पुनः पुनः प्रेयर का सेशन और जितनी भी चीज़ें इन्होंने ऐड की थी उसके साथ मैंने लव वाइब्रेशन इनको रात को सोने के पहले करने के लिए बोला था कि फील कीजिए कि वो इनके सामने बैठे हुए हैं तो इन्होंने कहा कि वो मुझे फील नहीं होते वो मुझे दिखाई नहीं देते मैं विजुअलाइजेशन में उतनी अच्छी नहीं हूँ तो मैंने इनको कहा था कि आप कोशिश करें उनकी कोई भी जो फोटो हो आपके पास में उसको देख करके आप लव वाइब्रेशन करें तो इन्होंने उनको देख करके लव वाइब्रेशन करनी शुरू की फ़ोटो को एंड नैन धीरे धीरे अपने आप ही विजुअलाइजेशन भी होने लगा पहले विजुअलाइजेशन में उनका फ़ेस दिख रहा था एंड धीरे धीरे ये उनके सोल की तरफ़ चले गए कि नहीं इनकी एक बॉडी है और बॉडी के अंदर एक सोल है मुझे उस एनर्जी से डायरेक्टली कनेक्ट करना है यहाँ से शुरू हुआ था मैजिक तो उस एनर्जी को किसी भी रूप में देखा जा सकता था सिर्फ बॉडी हटानी होती है आप फ्लेम रूप में देख सकते हो आप एयर रूप में देख सकते हो आप जैसे चाहो तो करते रहिए कंटिन्यूसली टू प्रैक्टिस को उन्होंने किया जहां पर ये करे जा रहे अब आप यहां पर लगाइएगा गा थ्री मंथ हो गए पहला हो पुनु पुनु का। दूसरे बारी सॉरी जैकी ओके okay. दूसरे जो टू मंथ्स थे वो हो पोनो पोनो प्रेयर एंड सारी ही प्रैक्टिस के साथ में लव वाइब्रेशन के एंड उसके बाद में मैजिकल वाला जो टाइम था ना वो शुरू हुआ फिर इन्होंने मुझे कहा मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है बस अब मेरा मन करता है कि मैं अपने लिए सारी चीज़ें करती जाऊँ मुझे अब लव वाइब्रेशन भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है तो हमने वहीं के वहीं लव वाइब्रेशन को स्टॉप कर दिया वो एक महीना और निकल गया और आज वो सक्सेस स्टोरी आ चुकी है सामने वाला इंसान आ गया है ये बोल करके कि नहीं हमें ही साथ में रहना है हमारी शादी होनी ही है और अब इसे पूरी दुनिया की कोई ताक़त नहीं तोड़ सकती क्योंकि मैं खुद भी चाहता हूँ मुझे पता नहीं क्यों उस टाइम पर ऐसे लगा कि हम कंपैटिबल नहीं हैं एक्चुअली वो यूनिवर्स ने इनके पास में एक मैसेज भेजा था कि आ, ये टूटेगा नहीं ना तब तक आप अपनी हीलिंग पर कभी भी काम नहीं करोगे उन कार्मिक पैटर्न्स को कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे अपने अंदर कभी झांकोगे ही नहीं इस इंसान के बिना अपनी लाइफ को कभी देखोगे ही नहीं और जैसे ही इन्होंने उस जगह से डिटैचमेंट को डाला आप देखो हो पोनो प्रेयर तक बहुत डिस्टर्ब थे ये ठीक है लव वाइब्रेशन आते आते तक थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया था इनको लेकिन दो महीने के बाद में ना एकदम से ऐसे हो गया कि मुझे करना ही नहीं है कुछ हवा की तरह उड़ गया फिर उनको लगा मुझे करना ही नहीं है आए तो सही नहीं आए तो भी सही चीज़ें अपने आप निकाल दी अपने अंदर से कई लोगों को यही प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पर इनको बहुत जल्दी हो गया एंड देन उसके बाद एक महीना और गया एक महीने से और भी कुछ ज्यादा दिन ही गए हैं सामने से इनके पास में मैसेज आता है इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है ये अलग बात है कि इन्होंने अभी पूरा टाइम लिया हुआ है कि कैसी चीज़ से टूटने के बाद और सेल्फ से जुड़ने के बाद स्पेशली हीलिंग कर लेने के बाद में आप एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो आप एकदम से जंप भी नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता कि अभी क्या रिएक्ट करें तो अपनी शांति पहले ही हो जाती है आपकी सर्वोपरि आपकी शांति हो जाती है तो वहाँ पर भी यही होता है कि हाँ पूरा टाइम दो देखो सारी चीज़ें रिलैक्स रहो अभी नहीं मन कर रहा आपका जाने का रिलेशन में तो मत जाओ सामने वाले को भी बोल दो आई नीड टाइम अभी मुझे फ़िलहाल टाइम चाहिए एंड देन उसमें थोड़ा सा स्पेस रखो धीरे धीरे देखो नेचुरली अब आपका मन कर रहा है देन प्लीज़ आप अपने मैनिफेस्टेशन का एक्सेप्ट करो अदरवाइज़ नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा और टाइम लो इसलिए आप लोगों को जब आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट भी होता है ना इस तरीके से आपके पार्टनर आ जाते हैं नो कॉन्टैक्ट के बाद में हीलिंग के बाद में तो एकदम से जंप वाला सिस्टम मत रखा करो अदरवाइज़ वो यही बता रहा होता है आप बहुत डेस्परेट होकर बैठे हुए थे और आपने इसलिए नो कॉन्टैक्ट और ये सारी चीज़ें की थी इसीलिए आप एकदम से तुरंत जंप करके गए हो तो चांसेस बन जाते हैं कि वो जो चीज़ होती है वो उतनी परमानेंट नहीं हो पाती है इसलिए प्लीज़ आप लोग भी अपना थोड़ा सा टाइम लिया करो मैनिफेस्टेशन कम्प्लीट होने के बाद सेल्फ को देखते हुए इस इंसान के बिना जो जीवन अभी आपने जिया है उसमें कैसा कैसा महसूस किया है उसको देखते हुए एंड देन अब आगे का फ्यूचर आप कैसे क्या देखना चाह रहे हो उसको देखते हुए अपना प्रेजेंट अभी उसके साथ कैसा देख पा रहे हो उसको देखते हुए फिर आगे बढ़ा करो ठीक है तो इस तरीके से मैंने इनको गाइड किया था बहुत ज्यादा चीजें नहीं है इसके अंदर कि सुबह भी करना है दोपहर को भी करना है रात को भी करना है बल्कि ज्यादा हो ओनो पोनो, पोनो प्रेयर सेल्फ हीलिंग सेल्फ के ऊपर ही काम था तो वो ही मैंने इनको दे दिया था करने के लिए जिसमें सबसे खुशी की बात ये थी कि इन्होंने खुद से भी काम ऐड किए हुए थे ठीक है लव वाइब्रेशन रात को जो सोने के पहले पहले हमने पिक्चर से शुरू किया था देन हम स्लोली स्लोली आंख बंद करके विजुअलाइजेशन पर गए थे वो अपने आप ही हो गए होने लग गया था इनसे विजुअलाइजेशन में भी धीरे धीरे करके सोल भी इन्होंने खुद ही डाल दिया था सोल पर जब आप करते हो ना तो वो बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि बॉडी में क्या होता है उनके थॉट्स उनके खुद के पैटर्न्स भी में बहुत बार आते हैं तो वहां पर ब्लॉकेजेस फंस जाते हैं लेकिन जब आप सोल सोल समझ के करते हो तो वो बहुत जल्दी से आपके लिए काम कर जाता है और बहुत तेजी से उसका रिजल्ट भी आता है तो अगर आप में से कोई भी करना चाहता है तो ये वाले मेथड को एक बार ही आप ट्राई करके देख सकते हो इसके रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे जैसे इनको मिले हैं बस डेस्परेशन को खत्म करना नेगेटिविटी को खत्म करना डाउट्स को खत्म करना सोचिए किसी इंसान के छह साल के रिलेशन के बाद उसके एंगेजमेंट होने के बाद पार्टनर ने रिश्ता तोड़ दिया हो, किसी दूसरे तीसरे चौथे पर्सन की मिसअंडरस्टैंडिंग से नहीं पार्टनर ने बोला होगी कंपैटिबल नहीं लग रहा है नहीं जाना चाहिए शादी में सोचे उसकी क्या हालत हुई होगी तो अगर ये अपनी हालत में इस लेवल का सुधार करके इन चीज़ों को वापस ऐसे बना सकते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं रिलवेरी सॉरी really जब इन्होंने सक्सेस स्टोरी भी शेयर किया मुझे सुनाई भी थी फ़ोन पर तो नाम शेयर करने के लिए मना किया था उनकी कोई भी पर्सनल यहाँ पर डिटेल में आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकती हूँ लेकिन क्योंकि मुझे मैथड बताना था इसलिए आप लोगों के साथ में मैथड शेयर कर रही हूँ इसको एक बारी इस तरीके से आप करके देखिए हमेशा पहला फोकस आप सेल्फ हीलिंग पे रखोगे तो आपको रिजल्ट हमेशा ज़्यादा जल्दी मिलेंगे आप डेस्परेशन नेगेटिविटी और डाउट्स वगैरह को हटा करके करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिलें बस आपको करने का ये वाला तरीका समझ आता ना चाहिए अपना अपना रखिए ख्याल अपने आप से ढेर सारा प्यार था कि सारा प्यार आई लव ऑल टाटा